उसमें जय धारण लेकिन इस दुनिया की मंजिल की अहमियत
कुछ ज़्यादा यूँ है कि इसी दुनिया की ज़िंदगी में उसे अपने आगे आने वाले सफ़र के लिए तैयारी करना, उसके लिए तोशा तैयार करना है, उसके लिए ज़्यादा राह तैयार करना है। अगर आने वाले सफ़र को वो आसान बनाना चाहता है, वहाँ की मंजिल में आराम और आयश चाहता है, खुशहाली और खुशहाली चाहता है, हर तरह का आराम चाहता है, तो उसके लिए उसे इसी दुनिया में तैयारी करनी है, वहाँ के लिए तोशा इसी दुनिया में तैयार करना है। अगर आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने इस दुनिया में तैयारी नहीं की, गफलत में पड़ा रहा और दुनिया ही की ज़िंदगी के बारे में वो सोचता रहा, यहाँ ही माल दौलत जमा करने की हिर्स में मुब्तला होकर वो पूरी ज़िंदगी खपाता रहा, तो आखिरत वाली जो ज़िंदगी आने वाली है वो ज़िंदगी वीरान हो जाएगी, वो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। एक मरतबा चंद सहाबे किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, सबसे ज़्यादा अकलमंद और मोहताज आदमी कौन है? तो आपने इशारत फरमाया, अक्सरहुम ज़िक्रन बिल मौत वो अक्सर हम इस्तेदादन बिल मौत, जो ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद करने वाले हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मौत के लिए तैयारी करने वाले हैं, वही ज़्यादा अकलमंद हैं और वही ज़्यादा मंसूबा बंदी करने वाले लोग हैं। फिर आपने इशारा फरमाया है, यही वो लोग हैं जो इस दुनिया की इज्जत को भी उन्होंने हासिल कर लिया और आखिरत के मकाम और मर्तबे को भी हासिल कर लिया, जो मौत को कसरत से याद करने वाले लोग हैं और जो मौत के लिए तैयारी करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा हाल तो ये है कि पूरी ज़िंदगी हमारी गफलत में गुजर रही है, आखिरत से गफलत, हिसाब किताब से गफलत, अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी के आमाल के बारे में जवाबदेही से गफलत, कि अल्लाह ताला की तरफ से सवाल होंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया उम्मत को, ऐ लोगों, अपना मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा कर लो, अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले लो कि तुमने क्या खोया और क्या पाया, क्या कामयाबी हासिल की और क्या क्या नाकामियाँ तुम्हें मिली, इसका जायज़ा ले लो, इसका मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुमसे मुहासबा किया जाए। मुहासबा तो होना है, पूछगछ तो होनी है। अल्लाह ने जो कुछ इस दुनिया में हमें दिया है, अल्लाह उसके बारे में हमसे पूछेंगे, ज़िंदगी के बारे में अल्लाह पूछेंगे, जवानी के बारे में अल्लाह पूछेंगे, माल के बारे में कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया अल्लाह इसके बारे में पूछेंगे, इल्म से क्या नफ़ा उठाया अल्लाह इसके बारे में पूछेंगे। और हदीस में आता है कि जब तक हर इंसान से इन पांच चीज़ों का सवाल नहीं कर लिया जाएगा, उसके कदम अल्लाह के हुज़ूर से हटने नहीं पाएंगे। इन पांच सवालों का जवाब तो हर एक को देना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो वक्त आने से पहले तैयारी कर लो, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कर लो, अपने शब व रोज़ का मुहासबा कर लो, अपनी सरगर्मियों का मुहासबा कर लो,
कि तुम्हारी सरगर्मियां अल्लाह को राजी करने वाली है या अल्लाह को नाराज करने वाली है, तुम्हारे दिन कैसे गुजरते हैं, तुम्हारी रातें कैसी गुजरती हैं, तुम्हारे मशागिल क्या हैं, उनके बारे में सोच लो। ये अल्लाह को राजी करने वाले हैं या अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, अल्लाह तो बहरहाल तुमसे पूछेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हम इतने गाफिल हो गए, हम इतने लापरवाह हो गए कि बजाय इसके कि हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हमारी जिंदगी के जो सालों माह गाये हो रहे हैं, हम उन पर अफसोस करें और ये अहद करें कि जिंदगी के बकिया माह साल जो बचे हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह इस्तेमाल करके अल्लाह को राजी करने वाले काम करेंगे। बजाय इसके हम अपनी जिंदगी के साल गुजरने पर खुशियाँ मनाते हैं, हम साल गिरे मनाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जिंदगी का एक साल खत्म हो गया। इस्लाम में साल गिरे का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में मुहासिबे का तसव्वुर है। जब एक साल पूरा हो जाए तो उसका मुहासिबा करो कि तुमने क्या खाया, क्या खोया और क्या पाया। ये साल गिरा तो उन कौमों की तहजीब है जो अल्लाह से बागी हैं, जो रास्ते से भटकी हुई हैं। लेकिन आज हमारा हाल ये हो गया है, उन्हीं गुमराह और मग़ज़ूब अलैहिम कौमों के नक्श कदम पर चलने को हम अपने लिए तरक्की समझते हैं। हम अपने आप को तरक्की याफ्ता साबित करने के लिए उनकी जो शीले हैं उनको इख्तियार करते हैं। आज जाइए, बड़े बड़े होटलों में जाइए और भिवंडी जो पहले पावर लूम के लिए मशहूर था, अब तो ये ढाबों के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया है। उन ढाबों पर जाइए तो आए दिन कोई ना कोई जन्मदिन मनाने की तकरीब रहती है, बर्थडे मनाने की तकरीब रहती है, और ये मनाने वाले हमारे अपने भाई होते हैं, मुसलमान भाई होते हैं। छोटे छोटी छोटे छोटे बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए वो होटलों में जाते हैं और ढाबों में जाते हैं। इस तरह आज वो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, बच्चों के दिलों दिमाग पर ये चीज नक्श कर रहे हैं। और कल यही बच्चे और बच्चियां जब स्कूल में जा करके अंग्रेजी रंग और तहजीब अपनाते हैं और मुर्तद होते हैं, इस्लाम से फिरते हैं, गैर मुस्लिम बच्चों के साथ हमारी बच्चियां चली जाती हैं, शादी कर लेती हैं, तो कहते हैं गजब हो गया, एक मुसलमान बच्ची गैर मुस्लिम के साथ चली गई। मेरे भाइयों, खुद हमने अपनी बच्चियों को उस राह पर डाला, हमने उसी तहजीब के रंग में उनको रंग दिया है, उन्हीं की चीजें हमने उनको सिखाई हैं। मदनी आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नहीं सिखाई, मदनी आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उनको नहीं सिखाई, गैरों की जिंदगी उनको सिखाई तो बहरहाल वो गैरों के साथ चली जाएंगी। इसलिए रोने धोने से फिर कुछ हासिल नहीं होता, ये सूरत हाल बनती जा रही है। तो मेरे दोस्तों, ये तसव्वुर, ये बर्थडे का तसव्वुर, ये जन्मदिन मनाने का तसव्वुर, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। इस्लाम तो कहता है साल गुजरने पर खुशियां मत मनाओ, मुहासबा करो। ये साल जो तुम्हारा गुजर गया, उस साल में तुम्हारे नुकसान क्या हुए, तुम्हें कितना नफा हुआ, और नुकसान नफा से मेरी मुराद माली नफा और माली नुकसान नहीं है। तुमने इस साल के कितने दिन अल्लाह की रजा में गुजारे, कितने दिन अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे, इसका मुहासबा करने का वक्त होता है। लेकिन ये बात नहीं रहेगी मेरे दोस्तों, मरना तो हर एक को है,
मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार आज तक दुनिया में कोई कर नहीं सका है और न कयामत तक कोई कर सका। ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए कि जिन्होंने अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया, कयामत का इनकार कर दिया, हश्र और नश्र का इनकार कर दिया, जन्नत और जहन्नम का इनकार कर दिया और यूं कह दिया कि अल्लाह कोई है कोई नहीं है, अल्लाह का वजूद नहीं है, ये दुनिया तो खुद से बन गई है। और इसका भी इनकार कर दिया कि मरने के बाद इंसान को खत्म हो जाना है, फिर दोबारा कोई जिंदगी मिलनी नहीं है, और न हश्र है न नश्र है, न कयामत है न बरज़ख है, न जन्नत है न जहन्नम है, न कोई सिरात है न मीज़ान है, और न नामे आमाल की पेशी है, न सवाल और जवाब है, न जन्नत और जहन्नम है, सब का इनकार कर दिया। लेकिन अगर किसी चीज का इनकार नहीं कर सके तो वो मौत की हकीकत है, एक अटल हकीकत है, और उसका मुशाहिदा हम लोग रोजाना कर रहे हैं। और अब तो ये हाल हो गया है कि अमवात बड़ी कसरत से हो रही है, कसरत से अमवात हो रही है, इनमें बूढ़े भी हैं, अब तो जवानों की मौतें कसरत से होने लगी, बच्चों की मौतें कसरत से होने लगी, अब आबादियां वीरान हो रही हैं, कब्रस्तान आबाद हो रहे हैं, वहां की आबादी बढ़ती जा रही है और यहाँ की आबादी घटती जा रही है। मौत दिन ब दिन लोगों को अपने जंगुल और अपने आगोश में ले रही है, आज हमने कल हम खींचेंगे, और जो आता है एक न एक दिन वो परामोश भी हो जाता है, पहले तो हमारी नजरों से हो जल हो गए, अभी क्या हो गया। एक साहब थे जो हर जुमा को नजर आते थे, हम नजर नहीं आ रहे हैं, पता चला उनका तो इंतकाल हो गया। पहले नजरों से ओझल होते हैं, फिर यादों से ओझल हो जाते हैं, आदमी भूल जाता है कि कोई था। इस तरह इस दुनिया का निजाम मेरे दोस्तों चल रहा है, इसलिए मौत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अकलमंद हैं वो लोग जो कसरत से मौत को याद करते हैं। हारून रशीद का नाम आपने भी सुना है, हमने भी सुना और पढ़ा है, अब्बासी खलीफा गुजरा है, बड़ी अजीम सल्तनत थी उसकी, इतनी अजीम सल्तनत कि जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान में था तो ये कहा करता था कि हमारी सल्तनत में सूरज गुरूर नहीं होता, यानी जब निकलता है तब वहाँ भी हमारी हुकूमत है और जहाँ जाकर गुरूर होता है वहाँ भी हमारी हुकूमत है। और अंग्रेज अपनी ताकत के बारे में इतना घमंड था उसे कि वो कहता था कि अगर आसमान भी हमारे ऊपर गिरे तो हम अपनी संगीनों पर आसमान को रोक लेंगे, इतना घमंड था उसे। लेकिन टूट कर बिखर गया, आज दुनिया के एक गोशे में जाकर बैठा हुआ है। इसी तरह हारून रशीद की सल्तनत बड़ी वसी थी, इतनी वसी थी कि उसका अंदाजा इसे लगाइए कि एक दिन वो अपने महल के ऊपर बैठा हुआ था, देखा कि बादल का एक टुकड़ा आसमान में हवा के रुख पर जा रहा है। वो बादल से कहता है, ए बादल, तेरा जी जहां चाहे जाकर बरस, लेकिन तेरे बरसने से जो फसल तैयार होगी, जो अनाज तैयार होगा, उसका खिराज मेरे ही दरबार में आएगा। इतनी वसी सल्तनत का मालिक हारून रशीद था, और हारून रशीद के जमाने में एक बुजुर्ग थे हजरत बालून दाना रहमतुल्लाह, लोग उन्हें पागल समझते थे, दीवानों की तरह वो फिरते रहते थे। हारून के यहाँ भी वो आते थे, हारून से उनकी दोस्ती थी और दोनों में नोक नोक भी चलती रहती थी।
अपनी ही बातें भी दोनों के दरमियान होती रहती थी। एक दिन हजरत बालून दाना रहमतुल्लाह अलैह हारून के पास आए तो हारून ने हजरत बालून दाना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बहलून ये छड़ी है ये ले लो और तुमसे ज्यादा बेवकूफ अगर कोई तुमको नजर आए तो ये छड़ी उसे दे देना। कहने का मतलब ये था कि तुम सबसे ज्यादा बेवकूफ, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हजरत बहलून रहमतुल्लाह अलैह ने छड़ी ले ली, चले गए। उस आका गुजरा, उनको पता चला कि हारून रशीद बीमार हो गया है, उसकी आयादत के लिए आए और उससे पूछा कि हारून क्या हाल है। हारून ने कहा कि बहलोल अब तो रुक सकता हूं, अब तो आखिरी सफर पर रवानगी का वक्त है। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हारून इस सफर के लिए क्या तैयारी की है, तुम जब सफर किया करते थे जहाँ जाना होता था तो पहले से वहाँ इत्तला करवा देते थे, रास्ते में जगह जगह अपनी हिफाजत के लिए फौजी दस्ते मुतय्यन कर दिया करते थे, जहाँ ठहरना होता था वहाँ खेमे लगवा दिया करते थे ताकि जब तुम वहाँ पहुँचो तो तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद रहें। ये तो तुम किया करते थे, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें सफर पर जाना है तो वहाँ के लिए कितनी फौज लेकर जाओगे, कहाँ कहाँ तुमने इबादती दस्ते और सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। तो हारून ने कहा पहलो तुम बेवकूफ से बेवकूफ ही रहोगे, अरे भाई इस सफर में कोई फौज साथ नहीं जाएगी, कोई हिफाजती दस्ता साथ नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा ये बताओ कितने दिन का सफर है, वापसी कब होगी। कहा बहलोल ये ऐसा सफर है जिसमें वापसी नहीं है, ये सफर हमेशा के लिए है। कहा इतने लंबे सफर पर जा रहे हो और कोई इंतजाम नहीं किया तुमने, छोटा छोटा सफर करते थे तो उसके लिए इंतजाम करते थे और इतने लंबे सफर पर जा रहे हो और कोई इंतजाम नहीं तुमने किया। तो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा हारून याद करो तुमने मुझको एक छड़ी दी, ये छड़ी मैं उस शख्स को दे दूं जो मुझसे ज्यादा बेवकूफ है। मैंने बहुत तलाश किया, मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई मिला नहीं, इसलिए ये छड़ी अब भी मेरे पास है, लेकिन आज मुझे मुझसे ज्यादा बेवकूफ जब मिल गया और वो तुम हो और ये छड़ी तुम अपने पास हो। इतने लंबे सफर पर जा रहे हो कोई इंतजाम, तो यही हाल मेरे दोस्तों हमारा होगा। एक शख्स ने एक महल तामीर करवाया, आलीशान महल, और उस महल में बड़ी लंबी दावत का इंतजाम किया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, जश्न मनाया और उसी जश्न के दौरान ये बूढ़ा आदमी भी पहुंच गया। लोगों ने उसे रोका लेकिन वो भी अंदर चला गया और महल को देख करके जो महल का मालिक था उसे कहा कि भाई तुम्हारे इस महल में दो खराबियां। वो चौंक गया, पहले तो दुनिया की सारी चीज़ें इसमें जमा कर रखी हैं, मेरे इस महल में दो खराबियां क्या हो गई। उन्हें कहा बताओ क्या खराबियां हैं। कहा पहली खराबी तो है कि ये महल हमेशा नहीं रहेगा, ये महल हमेशा नहीं रहेगा। दूसरी खराबी क्या है, कहा इस महल में रहने वाला भी हमेशा नहीं रहेगा। इससे बड़ी खराबी क्या हो सकती है, न ये महल हमेशा रहेगा न यहाँ रहने वाला हमेशा रहेगा। मेरे दोस्तों यही तो हमारी और आपकी जिंदगी की हकीकत है, जो कुछ हम यहाँ बना रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, कारोबार खड़ा कर रहे हैं, एम्पायर बना रहे हैं,
लेकिन न वो बाकी रहने वाला है और न हम बाकी रहने वाले, वो भी खत्म होने वाला है और हम भी खत्म होने वाले हैं। हमारा इस दुनिया से क्या मिले, क्या हिस्सा है, हमें इस दुनिया में क्या मिलने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, लेकिन उसका माल तो सिर्फ इतना है जो उसने खा लिया, जो उसने पहन लिया और जो उसने आगे रवाना कर दिया, यानी अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया, उसका तो बस उतना ही है। उसके बाद जो कुछ है उसके पास उसके वारिसों का है, उससे पीछे रह जाने वालों का है, उसकी औलाद का है। और ये तमाशा तो हम रोजाना देख रहे हैं कि एक इंसान पूरी जिंदगी माल दौलत जमा करने में खर्च कर देता है और फिर एक दिन वो रुखसत हो जाता है और जो कुछ वो छोड़ कर गया है उसके माल पर उसके वारसा काबिल हो जाते हैं, चंद दिन तो याद करते हैं बस, और वो याद करना भी एक रस्मन होता है बस। कब्रिस्तान में गए, मिट्टी कब्र में डाली, खड़े हुए, एक साहब ने ऐलान कर दिया कि भाइयों फला मस्जिद में फला वक्त कुरान खानी होगी, और फिर वहां से जमा हो करके मरने वाले के घर पहुंचे, एक आदमी खड़ा हुआ और उसने तादियती कलिमात कह दी और कुरान खानी मस्जिद में हो गई, लोगों को जमा करके कुरान पढ़वा दिया गया बस। औलाद ये समझती है कि अब्बा का हक अदा। अब उसके बाद क्या होता है, अब्बा की छोड़ी हुई जायदाद की तकसीम का मसला शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाइयों और बहनों में दूरियां पैदा हो जाती है, ऐसा झगड़ा शुरू होता है कि आने वाली नस्ल तक वो झगड़ा चलता है। फिर आने वाली नस्ल के बाद जब झगड़ा खड़ा होता है तो आने वाली नस्ल तक वो झगड़ा चलता है। इस तरह ये झगड़ा जायदाद की तकसीम का चलता रहता है और जिसने वो जायदाद बनाई थी उसको आदमी भूल जाता है। हालांकि मरने वाला जब मर जाता है तो जो कुछ उसने किया है वही उसके पास रहता है। अब कब्र में जाने के बाद वो कुछ कर नहीं सकता, उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो गया, जितना ही दुनिया में किया है बस उतना ही उसके पास है। अब आमाल का सिलसिला खत्म हो गया, अब उसे क्या मिल सकता है। उसके पीछे रह जाने वालों ने उसके नाम पर कुछ सदका कर दिया, कोई अच्छा काम करके उसका सवाब उसको पहुंचा दिया। ईसाले सवाब जो करेगा वही उसको पहुंचता रहेगा, या वो खुद ऐसा काम करके इस दुनिया से गया है कि उसका नफा लोगों को पहुंच रहा है, तो जब तक उसका नफा पहुंचते रहेगा उसके नामे आमाल में उसका सवाब लिखा जाता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मात अल-इंसान इन्क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इंसान जब मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर तीन शख्स ऐसे होते हैं कि जिनके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है। इल्ला मिन सदकतिन जारिया, सदके जारिया, ऐसा काम करके गया जिसका नफा लोगों को पहुंच रहा है तो उसके नामे आमाल में उसका पहुंचता है। हदीस में आता है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरने वाले के नाम की साले सवाब करता है तो वो सवाब खानों में सजाकर फरिश्ते उसके सामने पेश करते हैं, तेरे बेटे ने तेरे लिए ये भेजा है, तेरी बेटी ने तेरे लिए ये भेजा है, तेरे फला रिश्तेदार ने तेरे लिए
वो खुश होता है, जहाँ है वहाँ खुश होता है। लेकिन सूरत हाल क्या है, हमको भूल गए अपने माँ बाप को, भूल गए अपने मरने वालों को। कभी तौफीक नहीं होती कि उनके लिए भी दुआएं मगफरत करें, अगर कुछ होता है दूसरों से करवाते। ये कुरान खानी जो इज्तिमाई तौर से होती है, इसमें आपको दूसरों से पढ़वा कर ही आप बख्शवाते हैं ना। अरे खुद पढ़िए, खुद बख्शिए। क्या आप सूरह इखलास नहीं पढ़ सकते? क्या हर नमाज के वक्त सूरह इखलास पढ़ करके उसका सवाब मरने वालों को नहीं पहुंचा सकते? फर्ज नमाज के बाद आप दुआ तो करते ही हैं, सलाम फेरने के बाद बैठे तो रहते ही हैं। सिर्फ तीन मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन, इस नीयत से पढ़ लीजिए कि इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचेगा, और दुआ कर दीजिए कि अल्लाह जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचा दे। तीन मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ने का सवाब पूरा कुरान पढ़ने के सवाब से बराबर है। इतना आसान है, इसमें किसी दरमियान में मौलवी की या बख्शने वाले की या फातिहा करवाने वाले की जरूरत हरगिज नहीं है। आप पढ़िए और इस नीयत से पढ़िए, अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुंचा। बैठने की भी जरूरत नहीं है, मस्जिद में खड़े खड़े रास्ते में जा रहे हैं, अब्बा अम्मा याद हो आ गए। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, तीन मरतबा पढ़ा है अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को। हर वक्त फिर भी माँ बाप के एहसानात का बदला नहीं छुपाया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, मौत यकीनी है, हर एक को आनी है, हम सबको मौत की मंजिल से गुजरना है। इसलिए गफलत की ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, इससे हमें बाहर आना चाहिए, मौत की तैयारी करनी चाहिए। और मौत की तैयारी यही है कि अल्लाह को राजी करने वाले आमाल किए जाएं और उन आमाल से बचने का इंतजाम किया जाए जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं। अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी मरने से पहले करने की पता फरमाए। रहने वाले मोहम्मद आमिर अंसारी कैंसर के मर्ज में मुबतला, लिहाजा सभी हजरात से दुआएं से करती है। कुर्बान का पोता फैजान के लड़के का दिल का ऑपरेशन है, चार महीने का बच्चा है, दो आदमी का एक बच्चे की। हाजी अब्दुल महबूब साहब जो हुजूरी दरगाह थाना के रहने वाले हैं, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है, ऑपरेशन होना है। उन्होंने तमाम लोगों से दुआएं सुनी। मेरे दोस्तों, सेहत अल्लाह की नियमतों में से एक बड़ी नियमत है। आमतौर से हम लोग सेहत की कदर नहीं करते। सेहत की कदर उस वक्त होती है जब सेहत वक्त हो और बीमारियों ने आकर दे दिया। अल्लाह ताला के अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नियमतें अल्लाह की ऐसी हैं जिनके बारे में लोग हमेशा गफलत में रहते हैं,
उनमें से पहली नेमत आपने इरशाद फरमाई अस्सेहत, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी है। अब आखिर में देखिए ये दुनिया खुशी और गम से जीती है, कहीं खुशी है कहीं गम है, कहीं दुआए सेहत की दरख्वास्त है और कहीं दुआए मफरत की दरख्वास्त है, और उसी आखिरत की तैयारी के सिलसिले में ये देखिए कि इंतहाई मसरत के साथ ये इतला दी जाती है कि आज बरोज़ जुमा बाद नमाज असर हिंदुस्तानी मस्जिद में होने वाले इज्तिमा में इसी मदरसे के उस्ताद कारी अंसार साहब की साहबजादी का निकाह मौआइमा के रहने वाले नियाज अहमद के लड़के फैयाज अहमद से होना तय पाया। लिहाजा आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि शिरकत फरमा कर हमारी मसरत में इजाफा फरमाएं। निकाह है, निकाह का ये ऐलान, निकाह भी सादगी से होना चाहिए। अब ये देखिए सादगी है ना कारण है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा लिफाफा है, जो कई कई सौ रुपये तो लोग सिर्फ शादी के कार्ड पर खर्च करते हैं और उस सिलसिले में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। निकाह सादा होना चाहिए, उसी में बरकत होती है। और हमारे माशरे में जिस तरह की खराबियां पैदा हो गई हैं निकाह के सिलसिले में, शादी ब्याह के सिलसिले में, ये उसी वक्त दूर हो सकती है जब इंतहाई सादगी के साथ निकाह किया जाए, रुजुमात और रिवाज से परहेज किया जाए। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। दुआ करता हूं।